was really appreciative, well done elaborated. और आई थिंक सो सब कुछ बताया होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब हम किसी बात को तवज्जो से सुनते हैं और जब वो तवज्जो से सुनी गई बात हमारे जहन में बैठ जाती है तो हम उसे मुतासर भी होते हैं और हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होती है. लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चनिंग्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू लिसन द टॉपिक के. यस श्योर. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट What are six E's in list? Six E's होते क्या हैं? इन्हें एक लिस्ट में आपको नहीं बताना है. You can answer. इख्तियार देना, एवल्यूट जायजा लेना और इनकरेजमेंट हौसला अफजाई करना. My next question is that if we will not in list them, रैंडमली इनके नाम लिए, तो इज इट राइट? इट विल क्रिएट अ मेस बिकॉज़ यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व योर क्लास देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. इफ यू विल नॉट डू लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू विल क्रिएट अ मेस. इफ आई पुट द सेकंड पॉइंट इन लिस्ट ऑन द फर्स्ट इन लिस्ट देन यू विल यू कैन डू इट बट द बेसिक पर्पस इज नॉट अ बी ख्वाब होता है. सो आई होप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्रिएट अ माइंड सेट देन यू विल हैव टू फॉलो. ऐसा ही है और ये ऐसी ही बात है क्योंकि हम टीचिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये अगर इसकी तरतीब को अगर हम आगे पीछे करते हैं तो ये एक बात है. मजीद इसको सिंपल करो. फर्स्ट एंड देन सेकंड. हैव यू गॉट द पॉइंट? व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मतलब ग्रुप ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू टीच द चिल्ड्रन alphabets ABC. Then he or she will become on a sentence. तो ये enlist इसलिए इसकी तरतीब जरूरी है कि अगर हम इसे आगे पीछे करते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे बच्चे को हम ABC से पहले सेंटेंस बनाना सिखाते हैं. तो ये किसके साथ जाती है? खुद के साथ भी और बच्चे के साथ. आप उसे मारते रहो पीटते रहो पहले नहीं जाते. ठीक है ना, ये खुद के साथ भी जाती है और बच्चे के साथ. ओके जी, मूव टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज envision? इनविजन क्या है? ख्याल को तस्वीर में लाना, आइडिया को अपने माइंड में लाना, उसको जस्टम करना. ओके राइट. इस बात को मैं इस दौरान सबक लाना बार बार किसी भी चीज को माइंड में लाना पे आज तो सबक उसका माइंड में रखना भी ये चीज हमें बच्चों को कैसे सिखाना. बिल्कुल, आइडिया जो कि सिर्फ दिमाग में, इसका लिंक दिमाग से बाहर नहीं. इन्विजन क्या है? जिस चीज को हम सिर्फ अपने माइंड अपनी लिमिट है ना बाउंड्री है ये दिमाग इसके अंदर रखें. इज इट राइट टू मेक योर इन्विजन इन योर माइंड? क्या ये ठीक है कि हम अपने इन्विजन को सिर्फ अपने माइंड तक में इससे क्या नुकसान हो सकता है अगर हम किसी इन्विजन को सिर्फ अपने माइंड तक में? इससे ये है कि हम आगे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो हम तक ही महदूद रहेगा और हमारा काम भी सिर्फ और को भी नजर नहीं आएगा. अच्छा पॉइंट है कि हमारा काम किसी और को नजर नहीं आएगा और हम अपने ही ज़हन में उसके नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज से ही सोचते रहेंगे तो जो कि हमारे हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं. ओके जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली. इफ वी वांट एम्बॉडी समथिंग सो व्हाट वी विल हैव टू डू? अगर हमें किसी चीज को मुजस्सम करना है तो उसके लिए हमें पहला स्टेप क्या करना है? इनलिस्ट करता होगा. इन विच फॉर्म? मैंने इसकी तरतीब सेट करनी होगी, फर्स्ट क्या करना है देन नेक्स्ट और उसको उसके स्टेटस के हिसाब से उस काम को आगे जमा करना है प्रैक्टिकली परफॉर्म. हाउ?
प्रैक्टिकली परफॉर्म कर, मतलब अगर हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं या कोई समझो माइक बुक पढ़ाने लगे हैं तो माइक बुक का हमने स्टार्ट कैसे लेना है, उसका एंड कैसे करना है, ये पहले हमने अपने सोचना है, देन फिर हमने उसको अप्लाई करना है बोर्ड पे लिख के या किसी एक पॉइंट कि लिख के इन रिटन फॉर्म कि हमने किसी चीज को अगर एम्बॉडी करना है तो फर्स्ट स्टेप वी विल हैव टू टेक इट, वी विल हैव टू राइट समवेयर, आप बोर्ड पे या हमें डायरी दी जाती है, मेरी याद है कोई पीछे से आदत लग रहा है वो जिस टाइम दिमाग में आया क्लिक किया इधर लिखा फिर उसे डिस्कस ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी इंप्रूव द सोसाइटी, आप जब तक किसी चीज पे अमल पैदा नहीं میں سوسائٹی افراد کا وہ گروہ ہے جو ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں جس کے رسم و رواج ایک ہیں جن کا کلچر ایک ہے اور جو چہرے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ ہیں سوسائٹی کی کریکٹرسٹکس, خصوصیات کہ سوسائٹی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. کمیونٹی اور سوسائٹی تقریباً ایک جیسے لفظ ہیں, ان کی خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ ایک ایریا میں رہتے ہیں, ایک جیسے رسم و رواج ہیں, ایک جیسا کلچر ہے اور وہ چہرے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ ہوتی ہے ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی. Persons are made society. जानदार लोग बना रही है तो हम सोसाइटी को क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, हम क्यों ना खुद को इम्प्रूव करें, और खुद को करने के साथ साथ फोकस ऑन अदर्स, किसी का वीक पॉइंट है तो उसे जरूर गाइड करें अगर वो चेंज होने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये है कि वुमेन वुमेन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, women is the basic element, just like a cell is the basic element of living organism or living things, so human is a basic cell or basic element of society. Many women makes a society, ek ya ek se zyada log milte hain to society banti hai. Ab basic element jo hai wo theek hoga to society theek hogi, اگر بیسک ایلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو سوسائٹی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح اگر کسی بھی لیونگ آرگنیزم میں سیل ڈیمیج ہو جائیں, سیل کام نہ کریں, تو وہ باڈی قائم نہیں رہ سکتی ہے, وہ باڈی کیا ہوگی, ڈسٹرب ہو جائے گی, خواہ وہ کسی ہیومن کی باڈی ہے, کسی پلانٹ کی ہے, کسی اینیمل کی ہے, یا کسی بھی جانور, کسی بھی لیونگ آرگنیزم کی ہے, تو وہ بنیاد کرتی ہے سیل پہ. تو اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی کا جو سیل ہے وہ ہیومن, ہیومن اگر بہتری کی طرف جا رہا ہوگا تو سوسائٹی بہتر ہوگی, اگر ہیومن بہتری کی طرف نہیں جائے گا تو سوسائٹی بہتر نہیں ہو سکتی. جی میں اوکے جی, مائی نیکسٹ کوسچن از شوڈ وی ایویلیویٹ دی تھنگز ان وچ میتھڈز,
हर कोई इस बात से मुतफिक होगा यस वी शुड इवेल्युएट द थिंग्स सो प्लीज डिस्कस एंड शेयर योर मेथड्स दैट हाउ वी कैन इवेल्युएट अगर हमारे लिए है तो हम इसको कैसे इवेल्युएट से गुड वर्ड ओके यहाँ से कोई इस जायजा लेना जैसे एग्जामिनेशन लिख के बोल के सुन के इस तरह हम जायजा ले सकते हैं एवलुएट करने के लिए किसी भी चीज को पहले समझें देन उसको डिस्कस करें या जैसे हम बच्चों को एक लेक्चर देते हैं उसके बाद उनका जायजा लेने के लिए हम उनसे टेस्ट लेते हैं If we want to evaluate the kid on daily basis, or let's leave this topic student. If we want to evaluate our staff members, how we can evaluate them? एक बच्चा छोटी सी नफसियात होती है छोटा सा जहन होता है छोटी सी मालूमात होती हैं लेकिन इनकरेजमेंट अगर किसी बड़े की बिना की जाए तो हौसला हासिल करता है इनकरेजमेंट हौसला देना है और गिरे हुए को उठाना है कोई तो घोड़सवार गिर जाए तो उसे मैदान से उठा के उसे जाड़ना है उसे हिम्मत देनी है कि घोड़सवार गिरते रहते हैं उसका हौसला बन जाए मैं आपको एक उस्ताद की यहां मिसाल दूंगा कि उसने एक आम बच्चे को कैसे आगे तक लेके गया है और उसके लिए सिर्फ उसने एक ही पॉइंट इस्तेमाल किया है ई का आखिरी इनकरेजमेंट एक उस्ताद एक क्लासरूम में आता है एक क्लास में आता है उसका अपना पीरियड नहीं है उसका फिक्सर लगा हुआ है तो वो जब बच्चों से एक सवाल पूछता है तो सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं और जब एक बच्चा क्लास में हाथ खड़ा नहीं करता और सब उसको देख के हंसते हैं जब वो उस्ताद उससे क्वेश्चन का आंसर पूछता है आप बता
सारे बच्चे इसलिए उसको देख के हंस रहे हैं कि इसको इस सवाल का जवाब नहीं आता, इसने कभी सांसा को सवाल का जवाब दिया ही नहीं है। जिस तरह आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी किसी उस्ताद के सवाल का जवाब नहीं दिया। उस्ताद समझ गया कि ये बच्चा जो है ये क्लास का कमजोर बच्चा है। उस्ताद ने एक सवाल बनाया, एक शेर बनाया और उस बच्चे को बता दिया उसका मैना, बाकी बच्चों को नहीं बताया। दूसरे दिन उस उस्ताद ने आके वही शेर क्लास में पढ़ा है, सबसे कहा जी इसका मतलब बताएं, वजाहत करें, तो किसी बच्चे को नहीं पता, सिर्फ एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा था जी मैं बताऊंगा। करते करते उन्होंने जब एक हफ्ते की प्रैक्टिस की तो उस बच्चे का हौसला बुलंद हो गया, उस बच्चे का हौसला बुलंद हो गया और वो बच्चा बाद में एक बड़ा आदमी। तो बच्चों को इनकरेज करना है, हमें गलत जवाब पे भी इनकरेज करने के बाद उसकी गलती को दूर करना है कि अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर दें तो ये बेहतर होगा। किसी बच्चे को भी कभी भी डिस्करेज ना करें क्योंकि उसकी नफ्सियात पे बुरा असर पड़ता है। बच्चा हमेशा दम के रह जाता है। तालीम का बुनियादी मकसद ज़हनी नशोनुमा, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा है जिससे बच्चा आगे बढ़ता है। अगर हम टीचर उसको दबा के रखेंगे तो वो बच्चा ज़हनी तौर पे आगे नहीं बढ़ता। तो असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्कूल असातिज़ा से बनते हैं, स्कूल बहुत बड़ी बिल्डिंग से या किसी मदरसों से नहीं बनते हैं। अगर असातिज़ा तरबियत याफ्ता होंगे तो वो बच्चों की बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकेंगे, अगर वो तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो वो बच्चों की बेहतर तरीके से रहनुमाई नहीं कर सकेंगे। इस टॉपिक के रखने का हमारा बुनियादी मकसद ही ये था कि हमारे टीचर के पास एक नई चीज़ आए, क्योंकि सारे नौजवान टीचर हैं, यंग टीचर हैं, लंबी जिंदगी अगर अल्लाह उनको दे तो पड़ी हुई है, इसलिए उनके पास पढ़ाने का जो मवाद है वो मौजूद होना चाहिए और इस पे ग्रुप डिस्कशन होनी चाहिए। टीचर ट्रेन होंगे तो बच्चों की बेहतर रहनुमाई करेंगे, टीचर ट्रेन नहीं होंगे तो बच्चों की बेहतर रहनुमाई नहीं करेंगे। हम इन सिक्स ईज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बैठ के कभी गौर करें ये तनाई में सिक्स ईज को गौर करें, मैं जो कुछ सोचता हूँ, जो कुछ मेरा इनविजन होता है वो मैं फिर क्या करता हूँ आपका पहुँचाने के लिए आपको मैं टॉपिक देता हूँ, आप फिर उस पर काम करते हैं, उसे अमली जामा बनाने के लिए आप उसमें कुछ पेपर तैयार करते हैं, कुछ ना कुछ तैयार करते हैं जिसको कहते हैं एम्बॉडी। उसके बाद मैं टॉपिक देने के बाद आपको बख्तियार बना देता हूँ, उसमें मैंने कभी मुदाखलत नहीं की है कि इस क्वेश्चन पेपर में इसमें ये डालें और ये ना डालें, उसके बाद आप बख्तियार हैं। ये बात है कि नहीं? इससे पहले जितनी एक्टिविटी हमने की है अगर आप उस पर सोचें तो ये सिक्स ईज का पूरा इस्तेमाल है। उसके बाद जब आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं किसी भी एक्टिविटी को तो उस वक्त भी आप इंडिपेंडेंट होते हैं, उस वक्त भी किसी का आप पे कोई भी असर नहीं होता। और लास्ट में जाके हम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, आपको पता है कि हम असम्बली में आके उनको वही पेपर जो मुकाबले लेते हैं, बच्चों के मुकाबले करवाते हैं, वही पेपर हम उनको असम्बली में आके देते हैं, उनकी पिक्चर बनाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और उसे फिर इनकी इंकरेजमेंट के लिए उसे शेयर करते हैं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। आप अगर हमारे पिछले महीने दो महीने की जितनी एक्टिविटी हैं आप अगर उस पर गौर करें तो आपको सारी की सारी सिक्स ईज नजर आएंगी। मेरे जहन में जो आइडिया आता है रात को सोने से पहले, आपको पता है सोने से पहले नींद ना आ रही हो तो बंदे के जहन में आइडियाज आते हैं, जो आइडियाज आते हैं मैं सुबह उठ के सबसे पहले उसे लिखता हूँ, अगर लिखने वाला हो तो लिखता हूँ, बोलने वाला हो तो मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ, बोलने वाला हो तो मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ, लिखने वाला हो तो मैं उसे लिख लेता हूँ। मुझे जहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगती है, मुझे इसे बेहतर लगती है कि ये हमारे साथ के लिए या बच्चों के लिए बेहतर है तो मैं उसे ले आता हूँ। दो केस में आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन ये आपके काम करने की उम्र है, इस उम्र में आप काम करेंगे। जो लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की इब्तदा लर्निंग लोगों के साथ करते हैं, सब लोगों के साथ करते हैं, वो बड़ा कुछ सीखते हैं,
जो डिले डाले लोगों के साथ अपनी जिंदगी की इतला करते हैं, नरमियों पे आती हैं, वो सारी जिंदगी खुश होती है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। वो माँ रही ना इज्जत बुला रही।